हेलो एवरीवन, क्यूवा वॉचिंग सीरियल से आप आज जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों की अपकमिंग ट्रैक की। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा सीरत आएगी अंगद के रूम में। सीरत देखेगी अंगद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है और वो कहेगी अंगद से कि आज मनवीर मामी जी बहुत खुश थी क्योंकि तुम घर जो आए, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि आखिर उनकी तबीयत तुम्हारे बारे में सोच कर कहीं बिगड़ ना जाए। अंगद सीरत को थैंक्स कहता है उसकी मम्मा का ख्याल रखने के लिए। सीरत को पता चलता है कि अंगद लुधियाना सिटी सेंटर आर्ट एग्जीबिशन में जा रहा है। सीरत सोचती है कि ये तो वही सेम जगह है जहां पर साहिबा की भी एग्जीबिशन होने वाली है। साहिबा यहाँ दिखाई जाएगी आर्ट एग्जीबिशन शो के लिए अपनी पेंटिंग्स तैयार करती हुई। सीरत अंगद को सजेस्ट करती है कि तुम दूसरी जैकेट पहन लो और वो अंगद को वही जैकेट दिखाती है जो साहिबा की याद उसे दिलाता है। अंगद कहता है कि मैं ये नहीं पहन सकता। सीरत कहती है अंगद से कि तुम अपने अतीत के बारे में सोचना बंद करो। साहिबा यहाँ टेंशन में दिखाई जाती है। तभी रूमी आता है साहिबा के पास और साहिबा कहती है रूमी से कि मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि मुझे यहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन में फर्स्ट टाइम है। प्रोफेसर आहूजा यहाँ साहिबा को साइड में ले जाते हैं। अंगद यहाँ सीरत का वेट करता है और तभी वो मनवीर से बात करता है। सीरत आती है, अंगद देखता है कि उसने साहिबा की ड्रेस पहनी है जो उसने उसे गिफ्ट की थी। मनवीर सीरत की तारीफ़ करती है और कहती है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मनवीर तभी एक कॉल रिसीव करने चली जाती है। अंगद यहाँ क्वेश्चन करता है सीरत से कि तुमने आखिर साहिबा की ड्रेस क्यों पहनी। सीरत तभी रीज़न बनाती है और अंगद सीरत को लेकर के आर्ट एग्जीबिशन जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर मिस्टर गांगुली अनाउंस करते हैं ऑडियंस को कि आज की जो पेंटिंग है वो ऑक्शन के लिए भी अलाउड होंगी और उससे जो भी पैसा आएगा वो हम गुड कॉज के लिए डोनेट करेंगे। साहिबा और भी ज़्यादा वर्ड हो जाती है ये सब सुनकर। रोमी सोचता है कि साहिबा ऐसे अच्छी नहीं लग रही है फ़ोटो में, इसीलिए वो उसकी फ़ोटो हटा देता है बैनर से और वो कहता है कि हम साहिबा की दूसरी फ़ोटो लगाएंगे। रोमी तभी साहिबा की फ़ोटो को ड्रॉप कर देता है। अंगद और सीरत यहाँ आर्ट एग्जीबिशन में आते हैं। अंगद यहाँ साहिबा की गिरी हुई फ़ोटो के बाजू में खड़ा हो जाता है। रोमी जैसे ही फ़ोटो लेता है तभी वो ज़मीन पर गिर जाती है। साहिबा देखती है कि अंगद आया है और वो सोचती है कि ये यहाँ क्यों आया है, क्या मुझसे बात करने। मिसेस गांगुली यहाँ थैंक्स कहती है अंगद को आने के लिए आर्ट एग्जीबिशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। साहिबा देखती है कि अंगद आया है सीरत के साथ और सीरत ने वही ड्रेस पहनी है जो अंगद ने उसे गिफ्ट की थी। साहिबा सोचती है कि अंगद ने ये ड्रेस सीरत को दे दी और साहिबा वहाँ से चली जाती है आंसुओं में और रोमी भी साहिबा के पीछे जाता है। यहाँ रोमी साहिबा के आंसू पोंछने की कोशिश करता है लेकिन साहिबा कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रोमी यहाँ रीज़न बनाता है। साहिबा रोमी से कहती है कि तुम इधर उधर क्या देख रहे हो। साहिबा यहाँ अजीत कीरत और वीर को ग्रीट करती है जो आर्ट एग्जीबिशन में आए हैं। साहिबा कहती है कि अंगद भी यहाँ आया है गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर। एक स्टूडेंट आता है और साहिबा से कहता है कि प्रोफेसर आपको बुला रही हैं। अजीत साहिबा से कहते हैं कि लेकिन तुम क्या कर रही हो सीरत यहाँ। सीरत कहती है अजीत से कि क्यों, आपको साहिबा ने नहीं बताया हम क्यों आए हैं। सीरत कहती है अजीत से कि साहिबा नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊँ और अजीत वहाँ से चला जाता है थोड़े टाइम के बाद। सीरत यहाँ कीरत से कहती है मुझे क्या घूर रही हो। कीरत तभी सीरत पर कमेंट करती है और कहती है कि आखिर तुम कर क्या रही हो जीजू के साथ। सीरत कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। कीरत कहती है कि सबको सच पता चल जाएगा तब आप कहाँ जाओगी, ना इधर की रहोगी ना उधर की। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब सीरत की सारी काली करतूतों का काला चिट्ठा कीरत खोलेगी तब यहाँ पर सीरत क्या एक्सप्लेन करेगी अंगद को। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। क्यूवा वॉचिंग सीरियल से आप आज जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों की अपकमिंग ट्रैक की। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा सीरत आएगी अंगद के रूम में। सीरत देखेगी अंगद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है और वो कहेगी अंगद से कि आज मनवीर मामी जी बहुत खुश थी क्योंकि तुम घर जो आए, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि आखिर उनकी तबीयत तुम्हारे बारे में सोच कर कहीं बिगड़ ना जाए। अंगद सीरत को थैंक्स कहता है उसकी मम्मा का ख्याल रखने के लिए। सीरत को पता चलता है कि अंगद लुधियाना सिटी सेंटर आर्ट एग्जीबिशन में जा रहा है। सीरत सोचती है कि ये तो वही सेम जगह है जहाँ पर साहिबा की भी एग्जीबिशन होने वाली है। साहिबा
यहाँ दिखाई जाएगी आर्ट एग्जीबिशन शो के लिए अपनी पेंटिंग्स तैयार करती हुई सीरत। अंगद को सजेस्ट करती है कि तुम दूसरी जैकेट पहन लो और वो अंगद को वही जैकेट दिखाती है जो साहिबा की याद उसे दिलाता है। अंगद कहता है कि मैं ये नहीं पहन सकता। सीरत कहती है अंगद से कि तुम अपने अतीत के बारे में सोचना बंद करो। साहिबा यहाँ टेंशन में दिखाई जाती है। तभी रूमी आता है साहिबा के पास और साहिबा कहती है रूमी से कि मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि मुझे यहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन में फर्स्ट टाइम है। प्रोफेसर आहूजा यहाँ साहिबा को साइड में ले जाते हैं। अंगद यहाँ सीरत का वेट करता है और तभी वो मनवीर से बात करता है। सीरत आती है, अंगद देखता है कि उसने साहिबा की ड्रेस पहनी है जो उसने उसे गिफ्ट की थी। मनवीर सीरत की तारीफ़ करती है और कहती है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मनवीर तभी एक कॉल रिसीव करने चली जाती है। अंगद यहाँ क्वेश्चन करता है सीरत से कि तुमने आखिर साहिबा की ड्रेस क्यों पहनी। सीरत तभी रीज़न बनाती है और अंगद सीरत को लेकर के आर्ट एग्जीबिशन जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर मिस्टर गांगुली अनाउंस करते हैं ऑडियंस को कि आज की जो पेंटिंग है वो ऑक्शन के लिए भी अलाउड होंगी और उससे जो भी पैसा आएगा वो हम गुड कॉज के लिए डोनेट करेंगे। साहिबा और भी ज़्यादा वर्ड हो जाती है ये सब सुनकर। रोमी सोचता है कि साहिबा ऐसे अच्छी नहीं लग रही है फ़ोटो में, इसीलिए वो उसको फ़ोटो हटा देता है बैनर से और वो कहता है कि हम साहिबा की दूसरी फ़ोटो लगाएंगे। रोमी तभी साहिबा की फ़ोटो को ड्रॉप कर देता है। अंगद और सीरत यहाँ आर्ट एग्जीबिशन में आते हैं। अंगद यहाँ साहिबा की गिरी हुई फ़ोटो के बाजू में खड़ा हो जाता है। रोमी जैसे ही फ़ोटो लेता है तभी वो ज़मीन पर गिर जाती है। साहिबा देखती है कि अंगद आया है और वो सोचती है कि ये यहाँ क्यों आया है, क्या मुझसे बात करने। मिसेस गांगुली यहाँ थैंक्स कहती हैं अंगद को आने के लिए आर्ट एग्जीबिशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। साहिबा देखती है कि अंगद आया है सीरत के साथ और सीरत ने वही ड्रेस पहनी है जो अंगद ने उसे गिफ्ट की थी। साहिबा सोचती है कि अंगद ने ये ड्रेस सीरत को दे दी और साहिबा वहाँ से चली जाती है आंसुओं में और रोमी भी साहिबा के पीछे जाता है। यहाँ रोमी साहिबा के आंसू पोंछने की कोशिश करता है लेकिन साहिबा कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रोमी यहाँ रीज़न बनाता है। साहिबा रोमी से कहती है कि तुम इधर उधर क्या देख रहे हो। साहिबा यहाँ अजीत, कीरत और वीर को ग्रीट करती है जो आर्ट एग्जीबिशन में आए हैं। साहिबा कहती है कि अंगद भी यहाँ आया है गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर। एक स्टूडेंट आता है और साहिबा से कहता है कि प्रोफेसर आपको बुला रही हैं। अजीत साहिबा से कहते हैं कि लेकिन तुम क्या कर रही हो सीरत यहाँ। सीरत कहती है अजीत से कि क्यों, आपको साहिबा ने नहीं बताया हम क्यों आए हैं। सीरत कहती है अजीत से कि साहिबा नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊँ और अजीत वहाँ से चला जाता है थोड़े टाइम के बाद। सीरत यहाँ कीरत से कहती है मुझे क्या घूर रही हो। कीरत तभी सीरत पर कमेंट करती है और कहती है कि आखिर तुम कर क्या रही हो जीजू के साथ। सीरत कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। कीरत कहती है कि सबको सच पता चल जाएगा तब आप कहाँ जाओगी, ना इधर की रहोगी ना उधर की, यही सब दिखाया जाएगा आज रात।